नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन 360 फॉर ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय अंतरिक्ष से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस टेस्ट को जरूर खेलें। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप जल्दी सफल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक, चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस, अमेरिका, चीन या भारत? इसका सही जवाब है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 द्वारा जुलाई 1979 पर चांद की धरती पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन निम्न में से किससे संबंधित है? अमेरिका, जापान, रूस या फ्रांस? इसका सही जवाब है दोस्तों रूस। यूरी गागरिन एक रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल 1961 को उन्होंने अंतरिक्ष में कदम रखकर इतिहास रच दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1972, 1975, 1969 या 1970? इसका सही जवाब है दोस्तों 1969। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन वर्ष 1969 में हुआ था। इसे इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्ट में इसरो कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर भारत के बेंगलुरु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? इसरो सैटेलाइट सेंटर, सार सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर या बीकानेरू? इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी, बीकानेरू। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? 10,000 डिग्री सेल्सियस, 8,000 डिग्री सेल्सियस, 5,000 डिग्री सेल्सियस या 6,000 डिग्री सेल्सियस? इसका सही जवाब है दोस्तों 6,000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छः, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, वेलेंटिना तेरेस्कोवा या सवाना पांड्या? इसका सही जवाब है दोस्तों कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को तब हो गया था जब अंतरिक्ष से लौटते समय उनका स्पेस यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब स्थापित किया गया था? 10 अगस्त 1992 को, 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1970 को या 19 अगस्त 1992 को? इसका सही जवाब है दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री नरेंद्र मोदी या श्री मनमोहन सिंह? इसका सही जवाब है दोस्तों श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जय विज्ञान का नारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? कल्पना 1, GSAT-17, INSAT-3C या एप्पल? इसका सही जवाब है दोस्तों एप्पल, जिसे 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्न में से चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? अपोलो 7, अपोलो 8, अपोलो 9 या अपोलो 10? इसका सही जवाब है दोस्तों अपोलो 8। अपोलो 8 को 21 दिसंबर 1968 को प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन या फाम तुआंग? इसका सही जवाब है दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। उन्होंने अपोलो 11 द्वारा
जुलाई 1979 पर चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? अविनाश, विक्रम, विजय या आर्यभट्ट? इसका सही जवाब है दोस्तों विक्रम। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम है और इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति? इसका सही जवाब है दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो किस देश के नागरिक हैं? जर्मनी, फ्रांस, इटली या अमेरिका? इसका सही जवाब है दोस्तों अमेरिका। डेनिस टीटो ने 28 अप्रैल 2006 से 6 मई 2006 के बीच अंतरिक्ष में रहकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 9? इसका सही जवाब है दोस्तों 7। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या बुध? इसका सही जवाब दोस्तों शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2009 को, 24 अक्टूबर 2010 को या 22 अक्टूबर 2000 को? इसका सही जवाब है दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1970 को, 20 अगस्त 1975 को या 20 अगस्त 1970 को? इसका सही जवाब है दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा, कैस्मोड्रोम, कैप कैनेवरल या तानेगशिया? भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट और जिसे प्रक्षेपित किया गया था रूसी अंतरिक्ष केंद्र कैस्मोड्रोम से। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।